शिक्षक की छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिवार के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल परिजनों का कहना है कि शिक्षक के द्वारा लगातार उसे शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। कई दिनों से तंग आकर इस छात्रा ने आखिरकार कीटनाशक पदार्थ खा लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत बिगड़ी तो परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस को जब मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने भी मामले की शिकायत पर गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र का है, जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप की घटना का मामला सामने आया था। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उसके तुरंत बाद ही एक बार फिर ठाकुरद्वारा सुर्खियों में आ गया। ठाकुरद्वारा में शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ अश्लीलता और छेड़छाड़ की जा रही थी, जिससे तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे हालत बिगड़ी और अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि जल्दी इस मामले में जाँच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बहन एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती है, जहाँ पे एक शिक्षक द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, इस वजह से उसकी बहन ने कीटनाशक खा लिया है और कीटनाशक खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। सूचना मिलते ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होती है, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि पीड़िता की हालत अभी ठीक है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। साक्ष्य संकलन के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।